जलवायु परिवर्तन आज एक विश्वव्यापी समस्या बनकर रह गई है, जिसकी मार से पूरी दुनिया त्रस्त। इस विभीषिका के चपेट में आकर हमारा देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य झारखंड भी मौसम जनित ढेरों समस्याओं से जूझ रहा है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे यहाँ के कृषक वर्ग पर दिख रहा है। 30 सालों से मैं खेती का काम कर रहे हैं। पहले जलवायु ज़्यादा स्तर से होता था, अभी जंगल कटने के कारण से अभी बारिश कम हो रहा है। पहले 30 साल पहले जो बारिश होता था समय समय पर होता था, और अभी जो बारिश हो रहा है सो समय पर नहीं हो रहा, इसके कारण से अच्छी तरह से फसल नहीं हो रहा। पिछले दो सालों से ऐसा है जो कि बारिश तो हुआ ही नहीं, एकदम हुआ तो हल्का फुल्का हुआ, उसमें बहुत धान मर गया। उसके वजह से असर पड़ा मौसी पर, असर पड़ा मौसी बिचाले नहीं रहने के कारण से भूखे उसको प्राण टूट गया। हम लोग पर, किसानों पर असर पड़ा, उसके वजह से हम लोग मतलब सही ढंग से उपजाव नहीं होने के कारण से बाहर प्लान करने जाने पड़ा। फिर बाहर प्लान करने के जाने के बाद भी शूट नहीं किया, उसके कारण से आकर के घर में बीमार हो गया। इसमें सीधे सीधे सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार जो है अभी नए नए टेक्नोलॉजी जो अपनाए हैं, एक तो उससे पर्यावरण को दूषित करते जा रहा है, दूसरी बात है अभी जो है झारखंड में सरकार जो है 105 EMU ने हस्ताक्षर किया है और वो पूरे प्लांट लगाने चाहते हैं जंगल के इलाका में, जिससे कि जो है हमारे पर्यावरण को दूषित करने में जो है लगे हुए हैं, और हमको लगता है कि आने वाले कुछ समय में सरकार जो है इसको पूरा दूषित करके ही छोड़ेंगे। सरकार का कहना है कि गांव के लोग जंगल ख़त्म किया, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि गांव के लोग जंगल ख़त्म किया है। जंगल को काटने में सबसे बड़ा मतलब भूमिका सरकार निभाई है। सरकार जो है जो जंगल लगा रहे हैं वो जंगल मैंने कामयाबी जंगल नहीं है, क्योंकि वो जो है वो प्राकृतिक जंगल और इस जंगल में बहुत सारा मैंने फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सरकार को भी जो है कदम उठाना पड़ेगा, और सरकार के साथ साथ जो है गांव के लोगों को भी एक समूह के रूप में जो है इकट्ठा होकर के पेड़ पौधे लगाने का, फलदार पेड़ लगाने का काम करेंगे तो कुछ हो सकता है। जलवायु परिवर्तन हम मनुष्यों की अवेकपूर्ण नीति का दुष्परिणाम है, जिसे नियंत्रित करना हम लोगों के ही वश में है। इनके रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता के साथ साथ सामूहिक पहल की अत्यंत आवश्यकता है। मैं मुकेश सजग, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया हट के लिए।